सवाल में हमें जो है तीन अवार्ड असाइन करना है, एक रिसर्च का अवार्ड है, एक टीचिंग का और एक सर्विस का। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट को जो है वो एक ही अवार्ड मिल सकता है, बस एक अवार्ड मिल सकता है। हमारे पास इसको भी मल्टीप्लिकेशन रूल से कर सकते हैं। तीन पोजीशंस है हमारे पास, रिसर्च की पोजीशन है, टीचिंग की पोजीशन है, सर्विस अवार्ड की पोजीशन है। तो यहाँ पे सर्विस की पोजीशन है, तीन पोजीशन है हमारे पास। पहली पोजीशन पे 25 ग्रेजुएट में से कोई एक आ जाएगा, तो 25 की चॉइस है पहले। फिर 25 में से कोई एक आ जाएगा तो फिर दूसरी पोजीशन पे आपके पास 24 की चॉइस आ जाएगी। फिर 24 में से कोई एक यहाँ आ जाएगा तो 23 की चॉइस रह जाएगी। और इसको आप पोजीशन असाइन करने को आप परम्यूटेशन भी बोल सकते हैं, कि टोटल आपके पास 25 कैंडिडेट्स हैं और 3 पोजीशंस हैं आपके पास, तो 25P3 जो है ये इसका आंसर हो सकता है। अच्छा, इसके बाद एक ये एग्जाम्पल है, इसमें भी दो पोजीशंस हैं हमारे पास, एक प्रेसिडेंट की पोजीशन है, एक ट्रेजरर की पोजीशन है। और इसमें से 50 कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई करेंगे और वो उनमें से कोई एक इलेक्ट हो जाएगा। अब देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि किसी को कोई मसला नहीं है किसी के साथ भी, कोई भी प्रेजिडेंट बन जाए, कोई भी ट्रेजर बन जाए। तो कितने वेज में प्रेजिडेंट ट्रेजर बन सकते हैं, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी डिफरेंट चॉइसेस ऑफ ऑफिसर आर पॉसिबल। तो इसको आप इसको भी मल्टीप्लीकेशन रूल से कर सकते हैं या परम्यूटेशन लगा सकते हैं आप इस पर, क्योंकि आपके पास पोजिशंस हैं, दो पोजिशंस हैं आपके पास, एक प्रेजिडेंट की पोजिशन है, एक ट्रेजर की पोजिशन है। तो प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए 50 पीपल्स अप्लाई करेंगे, उसमें से कोई एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और फिर 49 रह जाएंगे, फिर 49 में से कोई एक ट्रेजरर बनेगा। तो कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं, 50P2 डिफरेंट वेज हो सकते हैं, और 24/50 ये आपके पास डिफरेंट वेज में ऑफिसर्स जो है वो असाइन हो सकते हैं इन वो दो पोजिशंस पे। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन जो है वो प्रेजिडेंट बन गया, बी जो है वो ट्रेजर बन गया। ए प्रेसिडेंट बन गया, सी जो है वो ट्रेजरर बन गया। ए पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बन गया, डी पर्सन ट्रेजरर बन गया। इस तरह करके ए के साथ जो है 49 डिफरेंट वेज हो सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल बी जो है वो प्रेसिडेंट बन गया, ए जो है वो ट्रेजरर बन गया। इस तरह जो है 24/50 डिफरेंट वेज में आपके पास ऑफिसर असाइन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट। बी पार्ट में वो बोल रहे हैं कि पर्सन ए वो सर्व करेगा इफ ही इज प्रेजिडेंट। अगर वो प्रेजिडेंट बनेगा ना तो वो सर्व करेगा, वो ट्रेजरर की चॉइस के लिए है ही नहीं। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि पर्सन ए को जो है वो इशू है कि वो जो है सिर्फ ट्रेजरर प्रेजिडेंट बनेगा, ट्रेजरर नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन ए को पहले इंक्लूड नहीं करते तमाम लोगों की चॉइस में। तो अगर पर्सन ए इंक्लूड नहीं है ना, तो पॉसिबल चॉइसेस आपके पास क्या हो सकती हैं। पर्सन ए को निकाल दिया हमने और आपके पास जो है 49 लोग रह गए। 49 में से प्रेसिडेंट के लिए 49 लोग अप्लाई करेंगे और उनमें से कोई एक इलेक्ट हो जाएगा। फिर आपके पास 48 लोग ट्रेजरर के लिए अप्लाई करेंगे, तो 49P2 भी लिख सकते हैं और ये हो गया आपके पास 23/52 टोटल पॉसिबल वेज। पर्सन ए जो है ना वो एक चीज़ के लिए तो राजी है ना, प्रेसिडेंट के लिए राजी है। फॉर एग्जांपल ए पर्सन जो है ना प्रेसिडेंट बन जाता है, तो ट्रेजरर उसके साथ कौन कौन बन सकते हैं। बी पर्सन जो है उसके साथ ट्रेजरर बन सकता है। अगर ए आपके पास जो है वो प्रेजिडेंट बन गया तो सी उसके साथ ट्रेजरर बन सकता है। ए प्रेजिडेंट बन गया तो डी उसके साथ ट्रेजरर बन सकता है। ए प्रेजिडेंट बन गया तो उसके साथ ई ट्रेजरर बन सकता है। तो इस तरह जो है ना 49 डिफरेंट लोग जो है ना उसके साथ जो है 49 डिफरेंट लोग जो है उसके साथ ट्रेजरर बन सकते हैं। तो 49 पॉसिबिलिटीज है डिफरेंट। तो इसकी पॉसिबिलिटी को कंसीडर कर लेते हैं। पर्सन ए बोल रहा है कि अगर वो प्रेजिडेंट बन गया तो एक ही की चॉइस है और उसके साथ 49 डिफरेंट पॉसिबल चॉइसेस हैं ट्रेजरर बनने के लिए। तो पर्सन ए जो है 49 चॉइसेस के लिए एग्री है। तो टोटल पॉसिबल चॉइसेस अब हमारे पास हो जाएंगी 2352 प्लस 49, तो टोटल चॉइसेस 2401 हो जाएंगे हमारे पास। अच्छा, सी पार्ट में अब दो लोगों का मसला है, जो पर्सन बी है और पर्सन सी है।
इन दोनों को साथ काम करना है, वरना ये इन दोनों में काम नहीं करना। तो हमारे पास प्रेसिडेंट है, ये मैं समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं, और ये ट्रेजरर है। तो पर्सन बी अगर प्रेसिडेंट बन गया तो उसके साथ सी ट्रेजर बन गया, तो इसके लिए ये एग्री है। और अगर पर्सन सी प्रेसिडेंट बन गया और बी ट्रेजर बन गया तो उसके लिए भी ये एग्री है। बस ये इन दो बातों के लिए एग्री है, वरना ये काम नहीं करेंगे। तो इन दोनों को सबसे पहले निकाल देते हैं टोटल पॉसिबिलिटीज़ में से। तो बाकियों की पॉसिबिलिटीज़ ले लेते हैं हम लोग। तो 48 टोटल है हमारे पास, 48 टोटल है। इसमें से दो पोजीशन असाइन करनी है, तो 48P2 आपके पास टोटल पॉसिबल वेज आ जाएंगे। अच्छा, अब ये कितने केसेस के लिए एग्री है? ये सिर्फ दो केसेस के लिए एग्री है। तो वो दो केसेस मैंने लिख दिए यहाँ पे, डिफाइन भी कर दिए। तो दो केसेस के लिए एग्री है कि बी और सी, एक ये केस हो गया बी प्रेसिडेंट बन जाए सी ट्रेजर बन जाए, और सी प्रेसिडेंट बन जाए बी ट्रेजर बन जाए। बस इन दो केसेस के लिए एग्री है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके लिए, तो वो टू पॉसिबिलिटीज ऐड कर देते हैं आखिर में। अच्छा, लास्ट पार्ट में जो है डी और ई को आपस में मसला है कि डी और ई पर्सन डी जो है, अब इसको इस तरह से देखते हैं, ये प्रेसिडेंट हो गया और ये आपके पास ट्रेजरर हो गया। पर्सन बी अगर डी अगर पर्सन प्रेजिडेंट बना और ई ट्रेजर बन गया, तो इस चीज के लिए ये एग्री नहीं है। इसी तरह ई प्रेजिडेंट बन गया और डी ट्रेजर बन गया, तो इस चीज के लिए भी एग्री नहीं है। तो बस ये दो चीजों के लिए एग्री नहीं है। तो -2 कर देते हैं हम टोटल में से। तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं, ये सारी डिटेल मैंने लिख दी कि ये किन किन चीजों के लिए एग्री नहीं है। तो ये टोटल पॉसिबल केसेस जो जाएंगे आपके पास 50P2 जाएंगे, और सिर्फ दो केसेस के लिए ये एग्री नहीं है ना, तो वो दो केसेस हम माइनस कर देते हैं टोटल में से। 4,50 होगा, और इसमें से -2 करेंगे तो फाइनल आंसर होगा आपका 2,448।